हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे 27 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के सभी एक क्वेश्चंस को, जो कि जीके और जीएस का सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग 50 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग से, 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से और 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस आपको पहले ही दे चुके हैं और शाम को थर्ड शिफ्ट का, यानी कि तीनों शिफ्टों को मिला करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का हम एनालिसिस यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी, यहाँ पर आपका चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेम्बर्स कनेक्ट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर अपने डाउट्स मुझे फेसबुक पर भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सेकंड शिफ्ट में 27 नवंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है, ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया था। ईमेल का अर्थ भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, ईमेल का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट विकसित किया था 1971 में, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का कॉन्सेप्ट विकसित किया था। इसमें इसका फॉर्मेट होता है यूज़र नेम एट द रेट डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम। यहाँ पर देखिए, पहला जो होता है वो यूज़र नेम होता है, उसके बाद एट द रेट होता है, जिस वेबसाइट पर बन रहा है उसका डोमेन नेम होता है। यदि आप जीमेल पर अकाउंट बना रहे हैं तो abc@gmail.com, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। यदि आप याहू पर बना रहे हैं तो abc@yahoo.com। ये क्या है, ये ईमेल के प्रकार हैं। ईमेल में ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेस नहीं होता है। अक्सर क्वेश्चन आता है, कोई भी स्पेस ईमेल में नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला राज्य जिसने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लागू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लागू किया है। स्वयं निधि योजना में दरअसल ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये की लोन की योजना है, जो 10,000 रुपये बैंक से लोन उनको दिया जाएगा। इसके बदले में उनसे 892 रुपये का ब्याज लिया जाएगा, वो भी एक साल के अंदर, ठीक है। ये एक लोन योजना है, प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना। अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जल कल योजना को शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जल कल योजना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, योजना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, दो क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में योजना से बने हैं और दो क्वेश्चन आपके जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में भी योजनाओं से बने हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। योजना आप रिवाइज करके जाइए, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है। खेल जगत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, विश्व कप से संबंधित एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या था हमें क्वेश्चन मिल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्व कप से रिलेटेड था। यदि आपको किसी को पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। कौन से क्रिकेटर T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर थोड़ा माफ कीजिए, मिस्टेक है, पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर शोएब मलिक। शोएब मलिक ने घरेलू मैच खेलते समय मंगलवार को तीसरा T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, माफ कीजिएगा, ये एशिया के पहले हैं और वर्ल्ड के तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दंतीवाड़ा बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो दंतीवाड़ा बांध आपका गुजरात में बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट, कुंभकोणम मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कुंभकोणम मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए, तमिलनाडु को ही जो है वो सिटी ऑफ, तमिलनाडु के कई शहरों को सिटी ऑफ टेंपल कहते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ टेंपल यदि आपसे पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ टेंपल तमिलनाडु के मंदिरों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक इन इंडिया विस्मयकारी नमक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है लिखिए पुस्तक आपका चेतन भगत ने। चेतन भगत ने मेक इन इंडिया विस्मयकारी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है, तो गोटीपुआ आपका ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है, ठीक है, माफ कीजिएगा, उड़ीसा राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो देखिए, डांसिंग से फोक डांसिंग और आपका फोक संगीत और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एक हमेशा एसएससी में
बनता है, मैं आपको पहले से ही बताता हुआ आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में लगभग 17.6% की वृद्धि हुई है। 2011 में जनगणना 121 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। अब जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक इसको पोस्टपोन करके 2022 के लिए टाल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मैंने आपको बता दिया 11 मई है, प्रवासी योजना कब लॉन्च की गई थी? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, प्रवासी योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये आपका 20 जून 2020 को प्रवासी योजना लॉन्च की गई थी। ये एक केंद्र सरकार की योजना है प्रवासी योजना, ये जो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान प्रवासी मजदूर जो अपने शहर से दूसरे शहर काम करने जाते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। उनको घर पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 में हमारे सामने आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक चली? देखिए पहली किसान रेल सेवा के बारे में पूछा गया था तो ये महाराष्ट्र से बिहार तक चली, ठीक है, पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? तो मौखिक दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। मौखिक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आप डे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर दो डे पूछा गया है, एक टेक्नोलॉजी डे दूसरा मौखिक दिवस। सुबह भी दो क्वेश्चन आपके डेज से रिलेटेड थे जिसमें आपको सीधा सीधा डेज पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है, या बी आर अंबेडकर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गुलंबकियन अवार्ड से किसे दिया गया है? गुलंबकियन अवार्ड किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मालागुड़ी डेज के लेखक हैं, मालगुड़ी डेज के लेखक हैं आपका आर के नारायण। देखिए एक क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड है, मैं आपको जो फाइनल वीडियो होगा जो जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम टॉपिक वाइज अपन डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी मैथ का क्वेश्चंस आपको एनालिसिस में आपको बहुत जल्दी दूंगा, और यदि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, व्हाट्सएप नंबर है 7617518715। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट।